नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बात अगर दुनिया भर की करें तो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,68,00,000 हो गए हैं और अब तक इस वायरस के कारण 6,85,179 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,250 नए मामले, 803 लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में 2 और लोगों की मौत, 20 नए मरीज मिले हैं। अब रुख करते हैं आज के तमाम बड़े खबरों की तरफ। राखी के दिन दिखा भाई और बहन का प्यार। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिला माली थाना क्षेत्र के चरण गांव में दिखा राखी के दिन भाई बहन का प्यार। किस तरह बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को प्यार से उपहार और पैसे देता है। देखिए औरंगाबाद से अमित कुमार सोनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आज इस लॉकडाउन के दौरान हम देखेंगे कि रक्षाबंधन किस तरीके से हमारे गांव में हो रहा है, किस तरीके से जो है लोग अपने बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही, आइए आज हम जानते हैं। राष्ट्रीय जनमंच की हुई बैठक। जी हाँ, जनपद आगरा के क्षेत्र जरार में राष्ट्रीय जनमंच की हुई बैठक। राष्ट्रीय जनमंच क्या है, क्यों है, कैसे है, इस संबंधित में हुई बैठक। बैठक के मुख्य अतिथि रहे मनोज वर्मा, साथ में मौजूद रहे रामेश्वर लाखन सिंह, प्रदीप कुमार, राजू राजकुमार एवं अन्य साथी मौजूद रहे। देखिए पिंडौरा से राम निवास की रिपोर्ट। यहाँ पर लंबे समय से कार्य कर रहा है बहाजराज जयपुर बिलासपुर और आज का हमारा विशेष प्रोग्राम ये है, सभी युवाओं को प्रोत्साहित चलने का प्रोग्राम मिल रहा है और आज आप देख रहे हैं जैसे कि सभी युवा लोग हमारे साथ रहे हैं हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए सक्षम हो गए और बड़ी ही तीव्रता से बड़ी तेजी सारे लोग कार्य कर रहे हैं। ये पिछले कुछ ही समय से यहाँ पर करीब 3 महीने पहले से हमने स्टार्ट किया इस काम और इस कार्य में तेज तेजी के साथ जुड़ रहे हैं और ये राष्ट्र के सबसे बड़ा राष्ट्रीय का कार्य है और इसमें हर धर्म के हर मजबूत चाहे गरीब मरीज पिछड़े अन्य सब लोग अच्छे इसके लिए जुड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे और जुड़ने का मैंने सोचिए कि किसी भी पार्टी से नहीं है, राष्ट्रीय जनमंच है और इसमें कोई भी पार्टी सपा बसपा भाजपा किसी भी पार्टी का कोई दल नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें सभी इकट्ठे होंगे मंच पर आना चाहते हैं। कोरोना जैसी महामारी में लापता है सफाई कर्मी। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुरक बिजरी गांव वार्ड नंबर 4 में चार महीने से नहीं दिख रहे हैं सफाई कर्मी। महीनों से ऊपर हो गए हैं उनको गांव में आए हुए साफ सफाई किए हुए, जो कि इस समय कोरोना महामारी जैसा वायरस इतना तेजी से फैल रहा है, इसको देखते हुए सफाई कर्मियों को आए दिन गांव में साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, जो कि ऐसे समय में सफाई कर्मी लापता है। देखिए चुरक से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। बिजरी गांव में वार्ड नंबर 4 नहीं दिख रहे हैं सफाई कर्मी, काफ़ी दिन से हैं लापता सफाई कर्मी और गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। सफाई कर्मियों का यही 6 महीने से है कि 6 महीने से वो सफाई करने नहीं आ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। फास्ट न्यूज़ इंडिया से मैं दिग्विजय सिंह, चुरक सोनभद्र। दुर्घटना में पति की मौत, पत्नी और बेटी घायल। जी हां, यूपी बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के मोहल्ला अहमदनगर नई बस्ती निवासी अफसर अली की बीती रात संखा नदी पुल के पास हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। साढ़ू के घर से वापस लौट रहे थे, उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। कहां जा रहा है, ठीक है नाम? एक मिनट। सर मोहम्मद अली है मेरा नाम। सर मेरा नाम सर मोहम्मद अली है, मैं जिसका ध्यान तो है उसका बड़ा भाई हूँ। ये लोग फंक्शन में से आ रहे थे, रास्ते में अचानक दुर्घटना हो गई इनकी, ये पता नहीं लगा कि किस गाड़ी से हुई थी। मुझको गांव के लोगों ने पता दिया तो मैं वहाँ आया, तब तक ये अस्पताल ला चुके थे। जी इसमें एक एक ही
भाई मेरा ख़त्म हुआ है, बाकी बेटी की चोट लग गई है, पत्नी थी जी उनकी। पता लगा किस गाड़ी से गया? ये सर ये बता रहे हैं कि कोई कार वाला था। किस कार्यक्रम में गए थे? हैं कार्यक्रम था जी, हाँ डट्ठौन था ये सर जी। बाइक से आ रहे थे? बाइक से आ रहे थे ये। घटना किधर हुई? घटना ये AIN कॉलेज के पास। शिक्षा क्षेत्र में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, जालौन के कालपी शिक्षा क्षेत्र में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि। कालपी थाना अंतर्गत मोहल्ला राजघाट में बन रहा है 751 लाख से ज्यादा की लागत से 50-2200 वर्ग मीटर की महिला महाविद्यालय। उच्च शिक्षा विभाग की राजकीय महाविद्यालय योजना के तहत सत्र 2019 में शासनादेश की योजना के तहत 751.18 लाख रुपए की स्वीकृति हुई, जिसका कार्य प्रारंभ जून 2020 में मेयर्स माँ वैष्णो कंस्ट्रक्शन कंपनी L220 डेल्टा 2 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर द्वारा कार्य को प्रारंभ किया गया। साइट इंजीनियर मनीष कुमार ने बताया कि जून में कार्य को प्रारंभ कर दिया गया था, जो कि 18 महीने के अंदर दिसंबर 2021 तक कंप्लीट करना है। ज्ञात हो कि कालपी में एक ही महिला महाविद्यालय है और एक ही डिग्री कॉलेज, जिसकी वजह से किसी कारणवश यहाँ स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है। स्टूडेंट उरई तथा पुखराया में एडमिशन करवा लेते हैं, जिससे कालपी के बाहर शिक्षा ग्रहण करने पर आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। योगी सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय बनवाने पर कालपी व आसपास क्षेत्र के स्टूडेंट को काफी राहत मिलेगी। बड़े स्तर से बन रहे इस महाविद्यालय की वजह से यहीं रहकर स्टूडेंट अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। यहाँ पे जो काम हो रहा है ये क्या बन रहा है? ये महिला विद्यालय बन रहा है, महाविद्यालय। ये किस योजना के अंतर्गत बन रहा है? ये जन निगम निर्माण विभाग। तो ये कितने एरिया में क्या क्या बनना है इसमें? 100x50 का एरिया है इसका। 100x50 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी देख रही है? मेसर्स माँ वैष्णो कंस्ट्रक्शन। तो ये कब तक का कंप्लीट होने का आपका? ये 18 महीने में कंप्लीट। 18 महीने में। तो यहाँ पे क्या क्या बनना है? जैसे ये पूरा टीला दिख रहा है, ये इस टीले में ये लेवल होगा या ऐसे ऊपर? इसको पहले जो है एग्जीबिशन हो जाएगा इसका, फिर इसके नीचे जो है फाउंडेशन बनेगा, उसके बाद ऊपर से जी ये पूरा लेवल होने के बाद से काम करना। हाँ, काम। आप यहाँ पे क्या हैं? हमने यहाँ पे इंजीनियर पोस्ट। नाम क्या है आपका? मंजीत कुमार। मंजीत कुमार। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, आते रहते हैं। आते रहते हैं, मतलब देख रहे हैं प्रॉपर तरीके की कुछ भी और किसी चीज की समस्या नहीं। कितने का है? और ये कितने की योजना पास हुई है? 775 लाख। 775 लाख समथिंग। ये थे अभी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।